हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ मैं बहुत ही दिग्गज स्टॉक के बारे में, जो कि दोस्तों फुटवियर सेगमेंट की कंपनी है। लगातार निवेशकों को एक मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने कमा के दिया है। और दोस्तों, बीते फ्राइडे के दिन स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई जो था 830 रुपये का, वो ब्रीच किया और टारगेट अभी 930 रुपये के निकल के आ रहे हैं रिलैक्सो फुटवियर के दोस्तों स्टॉक के अंदर। तो मैं दिग्गज कंपनी जो कि फुटवियर सेगमेंट से बिलोंग करती है, शानदार निवेशकों को अब तक इसने रिटर्न कमा के दिया है। दोस्तों, रिलैक्सो फुटवियर की बात कर रहा हूँ, शानदार स्टॉक है। BSE NSE दोनों पे ही इसकी लिस्टिंग हुई है। शानदार तेज़ी बनी थी फ्राइडे के दिन दोस्तों, करीब करीब 828 रुपये पे क्लोज हुआ है और लगभग 2.25% की तेज़ी रही। प्रीवियस क्लोज 809 रुपये, ओपनिंग हुई थी 809 रुपये के आसपास। वहीं दिन का हाई 834, जो कि एक ऑल टाइम हाई हो गया स्टॉक का। और दोस्तों, दिन का जो लो था 808 रुपये का, रिलैक्सो फुटवियर के स्टॉक ने लगाया दोस्तों। और टारगेट भी इसके ऊपर 930 रुपये के आसपास के आ रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, कहना चाहते हैं यदि पहली बार आए हैं वीडियो में तो लाइक करें वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें जो आपके इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकेंगे। तो रिलैक्सो फुटवियर का जो स्टॉक है दोस्तों, 1 जनवरी मतलब फ्राइडे के दिन 828 पे क्लोज हुआ था NSE के ऊपर। वॉल्यूम जो ट्रेड हुए करीब करीब 229,319 शेयर के। स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपये की है। 52B की जो लो है वो 352 रुपये का है, और 834 रुपये का 52B हाई है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं 834 रुपये टुडेज हाई एंड लोस, मतलब आपको 1 जनवरी के दिन ही लगा है। तो 1 जनवरी 2021 को इसने अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, साथ ही साथ नया एक रिकॉर्ड भी बना दिया। तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों ये। लगातार ये स्टॉक हमेशा अपने निवेशकों को अच्छा पैसा बना के देती है, और मैंने कई वीडियो इस पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों, कि आप जो भी पैसे लगाएं वो वेल्थ क्रिएशन के लिए लगाएं। बहुत ही दिग्गज कंपनी है, वेल्थ क्रिएट करके दिए अपने निवेशकों को इसने। दोस्तों, बाटा का ये बाप है रिटर्न के मामले में। आइए देखते हैं, 1 साल में इसने 33.63% के रिटर्न दे दिए हैं। फुटवियर इंडस्ट्रीज़ का शानदार स्टॉक जैसा आपको बताइए, और मार्केट कैपिटल भी अच्छी खासी है दोस्तों। अभी एक लार्ज कैप स्टॉक बनने लगा है दोस्तों, 20,282 करोड़ का स्टॉक मार्केट कैपिटल हो चुका है, आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, जो इसका पी वैल्यूएशन है वो 98.47 के आसपास आके चल रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक बहुत ही शानदार है। लॉन्ग टर्म का यदि आप विजन रखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत ही प्यारा रिटर्न कमा के दे के जाएगा। इसमें कोई भी शक और गुंज दोहराए की बात है नहीं दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर चलेंगे इसके ऊपर टारगेट क्या आ रहा है वो देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों इसकी रिटर्न की प्रोफाइल की, निवेशकों को अब तक किस तरह से स्टॉक ने माला माल किया है। तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 71% है। FII की होल्डिंग भी 3.39% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 6.96%। वहीं आप देख सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 18.68% की होल्डिंग रखते हैं रिलैक्सो फुटवियर जैसे दिग्गज कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, आप लोग भी इसमें अपनी एंट्री करिए और अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को जगह दें। मेजोरिटी शेयर होल्डर जो हैं वो स्टॉक के वो प्रमोटर हैं। वहीं प्लेस मोटर होल्डिंग ने मतलब गिरवी रखे शेयर की समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड की 17 स्कीम का पैसा है लगभग 7%। FII की 85 स्कीम का पैसा है दोस्तों लगभग 3.39%। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग जो हैं दोस्तों, मतलब अधिक जो हाईएस्ट होल्डर प्रमोटर हैं उनके पास 23.29% की होल्डिंग। वहीं पब्लिक में जो हाईएस्ट शेयर होल्डर हैं उनके पास करीब करीब 6.5% की होल्डिंग है। आप हम जैसे जो रिटेल निवेशक हैं रिलैक्सो के अंदर 6.57% की होल्डिंग रखते हैं। तो दोस्तों, गिरावट में इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए चलते हैं, इसका टारगेट देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी रिटर्न की प्रोफाइल। तो दोस्तों, आ गए अभी हम मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर, और रिलैक्सो फुटवियर का आपको मैं टारगेट दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, शेर खान स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं। रिलैक्सो फुटवियर के ऊपर उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन दिया है, और जो टारगेट है आपके सामने आप देख सकते हैं 930 रुपये का निकल के आता है। ये 31 दिसंबर को इन्होंने रिपोर्ट कंडक्ट की थी, और 1 जनवरी 2021 को ये इन्होंने टारगेट दोस्तों दिया है, मतलब शेर खान की तरफ से 931 रुपये का दोस्तों टारगेट निकल के स्टॉक के ऊपर 930 रुपये का टारगेट दोस्तों निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं।
दिग्गज कंपनी है, लगातार पैसा बना के देती चली जा रही है, तो गिरावट में जगह आप दीजिए, इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं स्टॉक्स में। तो दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक की रिटर्न की प्रोफाइल के में अभी हम आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कल के दिन मतलब फ्राइडे को स्टॉक 1.37% तेज था, वहीं एक हफ्ते में 2.19% की तेजी बनी स्टॉक में, एक महीने में दोस्तों 12.82% की रैली रही, 3 महीने में करीब करीब 25% के रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक, 6 महीने में 30.81% के रिटर्न, 2021 में अब तक मतलब एक ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है, वही दोस्तों वन डे का रिटर्न के बराबर, इसलिए आपको दिखाई देने को मिल रहा है 1.37% बीते 1 साल में, 33.63% के रिटर्न है, 2 साल में रिलैक्सो फुटवेयर का स्टॉक 123% के रिटर्न दे चुका है, 3 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 140% से ज़्यादा, वहीं 5 साल में 309% के रिटर्न है, माफ़ कीजिएगा 4 साल में, वहीं 5 साल के अंदर दोस्तों स्टॉक ने 224% से अधिक रिटर्न दिए हैं, और 10 साल में शानदार मल्टीपल रिटर्न है 4,258% के। तो ऐसे दिग्गज स्टॉक को पोर्टफोलियो में आप जगह दीजिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, बड़े बड़े टारगेट्स हमेशा ही आते हैं इसके लिए, और लॉन्ग टर्म का घोड़ा है दोस्तों, हमेशा आपको पैसा बना के देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।